हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू स्किल बैस आई एम नाव एंड एम बैक विद अनादर रिक्वेस्टेड वीडियो टूडे आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स जो बहुत कॉमन हैं एंड जो यूजुअली मिस प्रोनाउंस करते हैं लोग हम देखेंगे उनकी करेक्ट प्रोनाशिएशन क्या हैिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट यू और टू सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड प्रेस द बेल फॉरिंग रेगुलर अपडेट्स लेट्स बिगिन और नंबर वन वी हैव वेंसडे वेंसडे एक वीक का डे है एंड ये सबको पता है ये चीज बट मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं वो वेंसडे को वेडनेसडे प्रोनाउंस करते हैं जो डी है वेडनेसडे में वो उसको भी प्रोनाउंस करते हैं ये वाला जो डी है लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं एज वेडनेसडे बट ये गलत है आपको इस डी को प्रोनाउंस नहीं करना ये डी साइलेंट होता है वन so और नंबर टू वी हैव रिसिट ये रिसीट uh, जो हमको पेमेंट करने पर पे मिलती है दैट इज कॉल्ड रिसीट एंड क्योंकि इसमें पी आता है तो लोग इसको रिसिप्ट प्रोनाउंस करते हैं बट दैट इज द रोंग प्रोनाउंसिएशन द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज रिस पी यहाँ पे साइलेंट होता है और नंबर थ्री वी हैव स्वीट अब स्वीट uh, जो होटेल्स वगैरह में बहुत बड़े रूम्स होते हैं उनको बोला जाता है एंड बहुत सारे लोग इसको सूट प्रोनाउंस करते हैं बट सूट इज द रोंग प्रोनाउंसिएशन द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज स्वीट सो दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड और नेक्स्ट वर्ड इज डेटा अब डेटा जो भी आपका मटेरियल होता है जिसको आप लैपटॉप या फोन वगैरह पे सेव करते हैं उसको डेटा बोलते हैं जो डिजिटल फॉर्म में होता है एंड बहुत सारे लोग उसे डाटा प्रोनाउंस करते हैं बट इट्स नॉट डाटा इट्स डेटा आप डी ए डा नहीं प्रोनाउंस करेंगे आप डी ए वाई डे प्रोनाउंस करेंगे सो इट्स डेटा लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड इज आमंस सबको पता है आमन एक ड्राई फ्रूट होता है बट लोग उसको आलमंड करते हैं जो एल होता है लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं बट दैट इज रॉन्ग एल इज साइलेंट इन दिस वर्ड तो आपको आलमंड आलमंडस नहीं करना आपको आमंड करना है उसको ए एच आमंड प्रोनाउंस करेंगे आप उसको लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड और नेक्स्ट वर्ड इज ऑफन ऑफन का मतलब होता है जो चीज रेगुलरली होती हो सो दैट ऑफन का मतलब होता है रेगुलरली कोई चीज अगर हो तो आप ऑफ बोलेंगे कि दैट थिंग ऑफन सो ऑफन का ऑफन को लोग ऑफ्टन प्रोनाउंस करते हैं बहुत सारे लोग बट दिस इज द रोंग प्रोनाउंसिएशन ऑफन में टी साइलेंट होता है एंड इट इज प्रोनाउंसड एज ऑफन सो दिस वॉज द राइट प्रोनाउंसिएशन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन द नेक्स्ट वन इज पिज्ज़ा पिज्जा हम सब ने ही खाया हुआ है एंड अलॉट ऑफ पीपल प्रोनाउंस इट एज पिज्जा बट इट्स नॉट पिज्जा यहाँ पे टी का साउंड आता है बीच में एंड इट इज प्रोनाउंसड एज पिज्जा ऑल राइट लेट्स मूव ऑटो द नेक्स्ट वर्ड आर नेक्स्ट वर्ड इज आयन आयन जो आपकी ये uh, दो चीज़ों को बोलते हैं आयन एक तो मेटल होता है एंड दूसरा जो आयन होता है वो जो एक इक्विपमेंट है जिससे हम अपने कपड़े आयन करते हैं सो so, लोग इसको आयरन प्रोनाउंस करते हैं बिकॉज इसमें आर आता है बट दैट इज़ नॉट राइट आपको उसको आयरन प्रोनाउंस नहीं करना है आपको इसको आयन प्रोनाउंस करना है इसमें आर जो है आर साइलेंट होता है द नेक्स्ट वर्ड इज़ विमेन विमेन जो है वो वुमेन का प्लुरल वर्ड होता है एंड इसको लोग वुमेन ही प्रोनाउंस करते हैं बिकॉज ओ होता है यहाँ पे बट आपको उसको ओ प्रोनाउंस नहीं करना है आपको उसको ई का साउंड देना है इट्स विमेन सो वुमन इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन एंड द राइट प्रोनाशिएशन इज वेमेन लेट्स मूव द लास्ट वर्ड फॉर टुडेज वीडियो द लास्ट वर्ड इज हैपिनो दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक आई हैीन लॉट ऑफ पीपल मेकिंग दीज मिस्टेक्स सो ये जो वर्ड है हैलपिनो ये एक ग्रीन कलर का पेपर होता है आपने देखा होगा ये खाने वगैरह में डलता है पिज्ज़ाज बर्गर्स में भी काफ़ी डलता है सो so, लोग इसको जैलेपिनो प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि यहाँ जे लिखा होता है बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज हैलपिनो इसके पीछे रीजन ये है कि जो हैलपिनो वर्ड है ये स्पेनिश वर्ड है एंड स्पेनिश में जे को एच प्रोनाउंस किया जाता है दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड हैलपिनो एंड नॉट जैलपिनो ऑल्सो uh, ये चीज़ आपने मोहितों में भी नोटिस करी होगी वर्जिन मोहितो एक ड्रिंक ड्रिंक है काफ़ी कॉमन है uh, उसकी भी स्पेलिंग मोजीतो होती है इट इज़ लाइक एम ओ जे आई टी ओ बट उसको भी मोहितो प्रोनाउंस किया जाता है सेम रीज़न की वजह से बिकॉज इट्स अ स्पेनिश वर्ड एंड स्पेनिश में जे को एच प्रोनाउंस करते हैं तो इट बिकम्स वर्जिन मोहितो एंड नॉट मोजीतो द सेम इज़ फॉर जालिबिन आप इसको जालिबिनो नहीं Halapino pronounce so these were the words i hope you all liked the video do mention in the comment section that on what topics you want us to make videos next thank you for watching